नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेलर थ्योरम पर आधारित एक और प्रॉब्लम की और समझेंगे टेलर थ्योरम को। तो आज की वीडियो में हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो है एक्सपेंड लॉग एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस वन बाय टेलर थ्योरम। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ई एट द बेस ऑफ ई 1.1। लॉग 1.1 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और गिवन फंक्शन को हमें एक्सपेंड करना है टेलर थ्योरम की हेल्प से। अब बेसिक चीज इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा आप जब टेलर थ्योरम की बात करते हो तो हमेशा आप इस तरह का कुछ फॉर्म देखते हो। ये फॉर्म जब आप देखते हो तो आपके दिमाग में आइडिया आता है कि जब हम टेलर थ्योरम को एक्सपेंड करेंगे टेलर थ्योरम के हेल्प से फंक्शन को, तो इस तरह से कुछ हम लोग एक्सपेंड करते रहेंगे। एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स एंड सो ऑन। बट यहाँ ध्यान से देखना है हमारा फंक्शन क्या है। हमारा फंक्शन दिया हुआ है f of x plus h equals to log x. This is log x. अब log x में h मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक्सपेंड log x इन पावर्स ऑफ x माइनस वन, दैट इज h का वैल्यू आपको दिया है, क्वेश्चन के अंदर ही कुछ छुपा हुआ है। तो अगर मैं log x को कुछ इस तरह से लिखू log 1 माइनस 1 प्लस एक्स माइनस वन और बात, दैट मीन्स कि हम पहले इसी को सॉल्व करेंगे x माइनस वन। ऐसा करने से मेरे को जो h है वो मिल जाएगा, ठीक है। और अब इस फंक्शन को हम थोड़ा घुमा के लिखने वाले हैं, थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। हम लोग f ऑफ a प्लस h की बात करेंगे, बिकॉज एस हम यहां लिख चुके हैं, x को लेने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो हम लोग अब की बार f ऑफ x को f ऑफ a में लिखेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये चीज समझ में आ गई होंगी। अभी हम लोग शुरू करते हैं आगे की जो प्रोसेस है इसको सॉल्व करने की। चलिए ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने log x को लिखा कुछ इस तरह से 1 प्लस एक्स माइनस वन ओवर बार, ठीक है। तो हमारे पास a का वैल्यू, ये a का वैल्यू हमें क्या मिला 1 एंड x माइनस वन ये हमारा h का वैल्यू हो गया, ठीक है। ठीक है, आपको a और h दोनों की वैल्यू मिल गई है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं अभी यहाँ पे उसको एक्सपेंड करने वाले हैं। तो f ऑफ दैट इज log x को जब आप एक्सपेंड करोगे तो कैसे एक्सपेंड होगा, log x प्लस x माइनस वन दैट इज h की बात कर रहे हैं डॉट f डैश ऑफ, यानी कि log x का डेरिवेटिव, करेक्ट, प्लस एक्स माइनस वन रेज टू पावर टू अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस सॉरी डॉट लॉग एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स माइनस वन का होल पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल डॉट लॉग एक्स का थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। या एक और डेरिवेटिव लिख लेते हैं इसका, एक्स माइनस वन का पावर फोर प्लस सॉरी एक्स माइनस वन की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल डॉट लॉग एक्स का फोर्थ डेरिवेटिव। चलिए, इतनी सारी चीजें तो मैं पता चल गई, एक्सपेंशन हो गया हमारे फंक्शन का। अब हमें लॉग एक्स या लॉग एक्स डैश लॉग एक्स डबल डैश ये सब डेरिवेटिव का पहले वैल्यू फाइंड आउट करना है और वो डेरिवेटिव का वैल्यू हमें एक वस्तु वन पे फाइंड आउट करना है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो log x का वन पे जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा, log वन इक्वल टू जीरो। एंड log x का डेरिवेटिव जब आप करेंगे फर्स्ट टाइम तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स, और इसको जब हम वन पे फाइंड आउट करेंगे तो वन अपॉन वन इक्वल टू वन। थर्ड जब आप log x का थर्ड डेरिवेटिव, दैट मीन्स कि जब इसको फिर से डेरिवेट करोगे आप तो क्या हो जाएगा, माइनस नाइन्स वन अपॉन एक्स, और इसकी वैल्यू हो जाएगी वन पे माइनस वन। फोर्थ डेरिवेटिव जब आप इसका फाइंड आउट करोगे तो हो जाएगा माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर एंड इट विल बिकम टू प्लस टाइम्स टू, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारा फंक्शन का वैल्यू ये हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स, एंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमारा हो जाएगा माइनस टाइम्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर। दोस्तों एक्स स्क्वायर, यस मिस्टेक हो जाता अभी,
एंड दिस विल बी एफ ट्रिपल डैश का वैल्यू जो होगा हमारा वो होगा एट 1/2, ठीक है? यस। एंड एफ का फोर्थ डेरिवेटिव भी नहीं क्या है, हम लोग को फोर्थ डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू जो होगी वो होगी -6 अपॉन एक्स की पावर 4, और एक्स इक्वल्स टू 1/2 की वैल्यू होगी -9/6। अब हम लोग को सिंपली क्या करना है कि वैल्यूज को प्लेस कर देना है, ठीक है? तो जो हमारा फंक्शन है log x पे उसका वैल्यू है 0 प्लस x माइनस 1 फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू हमारे पास में है 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डॉट log x की डबल डैश, दैट मींस उसका सेकंड डेरिवेटिव अगर मैं बात करूं तो ये सेकंड डेरिवेटिव था मेरे पास -1, राइट? नेक्स्ट एक्स माइनस वन का होल क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय लॉग ट्रिपल डैश, यानी कि थर्ड डेरिवेटिव अगर मैं बात कर रहा हूं तो थर्ड डेरिवेटिव था आपके पास 2, गुड, प्लस एक्स माइनस 1 की पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल एंड लॉग एक्स का फोर्थ डेरिवेटिव और इसका वैल्यू था -6 एंड सो ऑन, ठीक है? अभी इसको फर्दर देखेंगे, एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, बिकॉज 2 फैक्टोरियल का मीनिंग 2 होता है, एंड माइनस प्लस माइनस, करेक्ट है? इसके बाद यहां देखेंगे 3 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 3 मल्टीप्लाई 2, तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले न्यूमरेटर के 2 से, और ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 1 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस, बिकॉज माइनस प्लस माइनस, और 4 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो 3 2 जा 6, डिनोमिनेटर के 6 है न्यूमरेटर के 6 को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा हमारे पास x माइनस 1 की पावर 4 डिवाइड बाई 4 एंड सो ऑन। अब इस सीरीज को, ये तो हमारे फंक्शन का एक्सपेंशन है, लेकिन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ओरिजिनल क्वेश्चन में log 1.1। अगर log 1.1 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस एक्सपेंशन में x इक्वल टू 1.1 पुट करना है मुझे, तो पुट x इक्वल टू 1.1 इन द अबव सीरीज, ओके, पुट कर देते हो, ये हो जाएगा 1.1 माइनस 1 माइनस 1.1 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 1.1 माइनस 1 होल पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 1.1 माइनस 1 होल पावर 4 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन। और इस सीरीज का जो सम होगा, फाइनली इस सीरीज का जो सम होगा वो होगा 0.095 3.05,